हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड नाइट, तीनों एक साथ स्टार्ट करने वाले हैं. मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन और कुछ और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स लॉ के जो आपको जल्दी से जल्दी रिवीजन में आ सके. स्टार्ट करते हैं. मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या होता है? भाई, चार्टर्ड डॉक्यूमेंट है, फंडामेंटल डॉक्यूमेंट है, जिसमें कंपनी का और आउटसाइड से जो रिलेशनशिप है वो लिखा हुआ है. कंपनी का खुद से और आउटसाइड वर्ल्ड से जितना रिलेशनशिप है वो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में होता है. लाइफ गिविंग डॉक्यूमेंट है. पर्पस क्या करता है? दो काम करता है. एक तो फंडामेंटल डॉक्यूमेंट है, सारी पावर, सारी लिमिट हमारी कंपनी की इसी में लिखी होंगी. दूसरा पब्लिक डॉक्यूमेंट है. पब्लिक के पास पावर है कि वो आए हमारे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को पढ़े और इसके बाद ही हमारी कंपनी के साथ कोई भी ट्रांजेक्शन को डील करें. इसके कंटेंट क्या क्या होते हैं? मतलब कंटेंट मतलब क्लोज क्या क्या है. नेम क्लोज है, रजिस्टर्ड ऑफिस क्लोज है, ऑब्जेक्ट क्लोज है, सब्सक्रिप्शन क्लोज है, कैपिटल क्लोज है और लाइबिलिटी क्लोज है. सिक्स क्लोज हमारे पास अवेलेबल है. सबसे पहला नेम क्लोज. नेम क्लोज क्या है कि कंपनी का नेम क्या होगा, या प्राइवेट लिमिटेड होगा या पब्लिक लिमिटेड होगा. रजिस्टर्ड ऑफिस क्लोज मतलब उसका प्रिंसिपल प्लेस क्या है. ऑब्जेक्ट क्लोज मतलब क्या क्या उसके ऑब्जेक्ट्स हैं, वो कौन कौन सी चीज़ों में डील करती है. इलीगल नहीं होना चाहिए, इमोरल नहीं होना चाहिए. लाइबिलिटी क्लोज क्या है कि मेंबर्स की लाइबिलिटी कैसी रहेगी, अनलिमिटेड रहेगी, लिमिटेड रहेगी, गारंटीड में रहेगी या कितना रहेगा. कैपिटल क्लोज क्या है कि उसके शेयर्स डिवाइडेड होंगे, कुछ ऑथराइज कैपिटल होगी, कितने नंबर में डिवाइडेड है, कितनी वैल्यू रहेगी, वो सब. सब्सक्रिप्शन क्लोज क्या है कि सिग्नेटरीज कौन कौन से है, कौन कौन से लोग उस पर साइन करेंगे कि हाँ ये कंपनी हमारी है. डायरेक्टर्स जैसे कहते हैं कि डायरेक्टर 7 होने चाहिए पब्लिक कंपनी में, तो उन सिग्नेटरीज की बात हो रही है यहाँ पे कि कौन कौन विटनेस है हमारी कंपनी के. उसके बाद हमारे पास आता है कि अल्टरेशन. नेम क्लोज बता दिया, नेम क्लोज में क्या आता है कि कंपनी का नेम कैसा होना चाहिए. अब बात आ रही है बदलने की जरूरत पड़ेगी. कब बदलने की जरूरत पड़ेगी? जब सेंट्रल गवर्नमेंट बोल दे कि यार तुम्हारा नेम किसी से आइडेंटिकल हो है, या फिर तुम्हारा नेम किसी से रिसेंबल करता है, तो जाइए इसको चेंज करिए. 3 महीने का टाइम देगी, आप ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करोगे और इसको चेंज करोगे, स्पेशल रेजोल्यूशन पास करोगे और सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल भी लोगे. कब लोगे? अगर बाद में कर रहे हो, जब फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम की बात होती है, जब फर्स्ट टाइम हो रहे हो तो ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करो और 3 महीने के अंदर चेंज करो. लेकिन बहुत टाइम हो गया आपको और आप बीच में अपनी मर्जी से चेंज करना चाह रहे हो ना, तब आपको स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा और सेंट्रल गवर्नमेंट से वो लेनी पड़ेगी. उसके अलावा अगर कोई और जिसका नाम आपसे मिल रहा है वो आके एप्लीकेशन दे दे, तब आपको चेंज करना पड़ेगा 6 महीने के अंदर अंदर. 3 ईयर का टाइम होता है हमारे पास, सेंट्रल गवर्नमेंट हमें ऑर्डर देगी, उसके बाद तब हमें 6 महीने के अंदर अंदर चेंज करना है. और 15 डेज़ के बाद हमें ROC के पास जाके बताना है कि हमने ये कर लिए, ROC हमें न्यू सर्टिफिकेट दे देगा. उसके बाद आते हैं रजिस्टर्ड ऑफिस को कैसे हम अल्टर कर सकते हैं. रजिस्टर्ड ऑफिस क्या हो सकता है? भाई आप जिस सिटी में हो उस सिटी में कहीं और जा रहे हो, या फिर आप इस ROC की जगह दूसरे ROC के पास जा रहे हो, या फिर आप इस स्टेट से दूसरे स्टेट की तरफ जा रहे हो. तो यार अपनी सिटी में जब चेंज कर रहे हो तो स्पेशल रेजोल्यूशन तो पास करना ही करना है और 15 डेज़ के अंदर जाके बात करना है. ROC को चेंज कर रहे हो तो रीजनल डायरेक्टर के पास जाओगे, उसको बोलोगे कि हमें ये चेंज करना है. वो क्या करेगा? आपको बोलेगा नोटिस दो न्यूज़पेपर में, जितने भी क्रेडिटर डेटर या जो भी पार्टीज है उनसे कन्फर्मेशन लेके आओ और हमारे पास एप्लीकेशन दे दो. उसको लगेगा सेटिस्फाइड है सब कुछ, तो वो चेंज कर देगा. शिफ्ट कर रहे हो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, तो स्पेशल रेजोल्यूशन पास करोगे और सेंट्रल गवर्नमेंट से जाके लोगे. सेंट्रल गवर्नमेंट भी क्या करेगी, उसको सारे डॉक्यूमेंट्स दोगे, माइनर्स, स्पेशल रेजोल्यूशन, जितना भी आपका मेमोरेंडम है, एप्लीकेशन, एफिडेविट्स, वो भी चेक करेगी कि कोई पार्टी को कुछ ग्रीवियंसेस ना हो. और उसके बाद कन्फर्मेशन के बाद वो आपको बोलेगी ये लीजिए आपका सर्टिफिकेट. फिर आता है ऑब्जेक्ट क्लोज. ऑब्जेक्ट क्लोज की भी सेम पोजीशन है, स्पेशल रेजोल्यूशन पास करिए आप और उसमें बोलिए कि पहले हमारा ऑब्जेक्ट क्लोज ये था और अब ये हो रहा है. एक न्यूज़पेपर में आपको जाके देना है. जो शेयर होल्डर्स ऑब्जेक्ट चेंज होने के बाद आपकी कंपनी में नहीं रहना चाहते वो बोलेंगे कि हम नहीं रहना चाहते हैं. उसके अलावा आपको इन्फॉर्मेशन देनी है कि पिछली बार ऑब्जेक्ट से बात होती है ना, तो मेन चीज़ आ जाती है कि आपने कोई पैसा पब्लिक से मंगवा रखा है, वो गलत यूज़ तो नहीं कर रहे. तो पब्लिक का जो पैसा है उस पर देखेंगे कि हमारे कब इशू हुए थे शेयर्स, उसका क्या यूज़ हुआ क्या नहीं हुआ. तो वो सारी इन्फॉर्मेशन ऑब्जेक्ट क्लोज में हमें डालनी पड़ती है. ये तो मेन हल्का सा हो गया. और ऑब्जेक्ट क्लोज आप वेबसाइट पर चेंज कर दोगे कि हमारा हो चुका है चेंज. अब बात आती है मेन क्वेश्चन की कि डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायरस क्या है. अल्ट्रा वायरस मतलब क्या? वो चीज़ें जो हमारे हाथ में है ही नहीं. अल्ट्रा चीज़ें होती है ना बियॉन्ड, वो जो हमारे मेमोरेंडम में लिखी ही नहीं थी. अब भाई मेमोरेंडम में नहीं थी ना, मेमोरेंडम से रिलेटेड थी तो हमने कर दिया, तो वो वॉइड हो गई, उसका कोई लेना देना नहीं है और हम उसको रेक्टिफाई भी नहीं कर सकते. अल्ट्रा वायरस वो चीज़ें होती है. अल्ट्रा वायरस में क्या कर सकते हैं? कंपनी मेंबर कह सकते हैं कि कंपनी ने किया है, तो कंपनी को रोक दिया जाएगा कि अब आप आगे काम नहीं करोगे. लायबिलिटी डायरेक्टर्स कह सकते हैं, डायरेक्टर को सारा डैमेजेस पे करना पड़ेगा.
कहीं पे अल्ट्रा वायलेट कॉन्ट्रैक्ट जो होते हैं भाई वॉइड हो जाते हैं, प्रॉपर्टी उसमें जितनी आपने ली है वो भी ख़राब होगी, अल्ट्रा वायलेट जितना भी होता है वो सारा काम नल ऑल वॉइड होता है। ये क्वेश्चन आ जाता है कि अल्ट्रा वायलेट क्या, अल्ट्रा वायलेट वो है कि वो काम जो हमारे हाथ में नहीं थे और हमने कर दिए, तो उसके कॉन्सिक्वेंसेज ये हो सकते हैं कि कंपनी की मेम्बर्स जाके अपील कर सकते हैं कि कंपनी ये काम नहीं करेगी, डायरेक्टर्स की लाइबिलिटी हो सकती है, पर्सनल लाइबिलिटी हो सकते हैं, और वॉइड होते हैं प्रॉपर्टी जितनी एक्वायर की है उसका कोई वो नहीं होगा। उसके बाद हमारे पास आता है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या होता है। आर्टिकल एसोसिएशन क्या है कि कंपनी का खुद से रिलेशनशिप, MOA मींस कंपनी का आउटसाइड वर्ल्ड से रिलेशनशिप, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन का मतलब कंपनी का खुद से रिलेशनशिप। इसमें आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के कंटेंट क्या है बहुत सारे हैं, फॉर फ्यूचर शेयर करार, ट्रांसफर करार, कैपिटल अल्टर करी, कॉमन सील बदली, बायबैक किया, शेयर कैपिटल, सब ये सारे काम आर्टिकल में आते हैं। अब आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन का लिमिटेशन क्या है, ये क्वेश्चन आ सकता है कि रेस्ट्रिक्शन क्या है भाई, कंपनीज एक्ट से उसका प्रोविज़न मैच होने चाहिए, कोई भी मेमोरेंडम में जितना सब कुछ लिखा है उसके अगेंस्ट नहीं होना चाहिए, बेनिफिट होना चाहिए कंपनी का, कोई माइनॉरिटी है उसको नहीं हर्ट करना चाहिए, लाइबिलिटी नहीं बढ़ाएगी, कुछ इलीगल नहीं होना चाहिए और कोई भी पर्सन के राइट डिप्राइव नहीं होने चाहिए, ये लिमिटेशन है। अगर हम अपने आर्टिकल को चेंज करना चाह रहे हैं तो स्पेशल रिजोल्यूशन पास करेंगे और ट्रिब्यूनल के पास जाएंगे। रेस्ट्रिक्शन हम पे ये लगी है कि हमारा कोई भी काम कंपनी सेक्ट के अगेंस्ट नहीं होगा, मेमोरेंडम के अगेंस्ट नहीं होगा, कंपनी के बेनिफिट के लिए ही होगा और माइनॉरिटी के अगेंस्ट नहीं होगा, हमारी लाइबिलिटी नहीं बढ़नी चाहिए मेंबर्स की, कोई भी मेंबर को उसके राइट ना मिले ऐसा ना हो और इलीगल नहीं होना चाहिए। इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि कंस्ट्रक्टिव नोटिस ऑफ MOA और AOA क्या है, कंस्ट्रक्टिव नोटिस का मीनिंग क्या है। सबसे पहले ये डॉक्ट्राइन बनाया गया है कि एवरी पर्सन जो भी MOA और AO के साथ डील कर रही है उनको उसकी नॉलेज होनी चाहिए। आप हमारी कंपनी में अपना पैसा इन्वेस्ट करने आ रहे हो तो आपको नॉलेज होनी चाहिए कि हमारा MOA क्या है, हमारे ऑब्जेक्टिव क्या है और हमारा आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या कहता है। ये हमारा कंस्ट्रक्टिव नोटिस ऑफ MOA और AOA है। इसके साथ एक आता है इंडोर मैनेजमेंट। कंस्ट्रक्टिव नोटिस तो ये कहता है कि उसको पहले से नॉलेज होनी चाहिए। इंडोर मैनेजमेंट क्या कहता है कि कुछ सिचुएशन हो सकती हैं जहाँ पे हमें नहीं पता, जैसे कि कोई इरेगुलरिटी चल रही थी कंपनी में हमें नहीं पता था, कोई सस्पिशन था हमें नहीं पता था, हो सकती है सिचुएशंस। लेकिन इसके सेक्शन है जहाँ पे पर्सन साउंड माइंड का है और फिर वो ये काम कर रहा है तो इरेगुलरिटी चल रही है उसको पता थी, तो कोई नॉलेज आर्टिकल की नहीं थी, मतलब ये तो उसका अपने में है कि वो खुद ही पढ़ के नहीं गया है तो उसकी गलती है। ये हो जाता है हमारा डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट जो प्रोटेक्ट करता है इन्वेस्टर्स को कि चलो कोई बात नहीं आपने नहीं पढ़ा लेकिन कुछ सिचुएशंस हैं जहाँ पे हम आपको बचा सकते हैं अगर कोई आपके साथ फ्रॉड हो रहा है।